अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड टीएमटी सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड टीएमटी सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। आपदा विभाग के निर्देश पर सिवान में एक अग्निशमन दम जो गाड़ी है, जन जागरूकता फैलाने के लिए गाड़ी का आज हरी झंडी दिखाकर सिवान के जिलाधिकारी मुकुल कुमार गुप्ता ने उद्घाटन किया। ये जो अग्निशमन विभाग की गाड़ी है, ये गांव में जाएगी और हर जगह जाकर, जिले के प्रत्येक जगह जाकर मॉक ड्रिल कर लोगों को अगर आग लगती है ऐसे में उन्हें कैसे उपाय बचना है, कैसे अपने आप को सुरक्षित रखना है, इसकी जानकारी दी जाएगी। और खासकर इस गाड़ी में एक और व्यवस्था है कि कहीं अगर आग लग जाती है, वहाँ पे दिव्यांग लोग होते हैं, विकलांग लोग होते हैं, तो उनके लिए एक स्पेशल व्यवस्था की गई है कि उन्हें स्ट्रेचर और जो विकलांग की कुर्सी होती है उसके माध्यम से उनको या इस गाड़ी के माध्यम से सुरक्षित पहुंचाया जा सके। सिवान डीएम मुकुल कुमार गुप्ता ने इस गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर यहां से सिवान जिला कार्यालय से रवाना किया और इसके बाद ये गाड़ी जो है जिले के प्रत्येक प्रखंड के प्रत्येक गाँव में जाएगी और लोगों को जागरूक किया जाएगा। आइए आपको सुनाते हैं इस मौके पर डीएम मुकुल कुमार गुप्ता ने क्या कुछ कहा। वर्तमान समय में हम लोग देखते हैं कि अग्नि घटनाएं बढ़ जाती हैं, इससे लोगों को सतर्क रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए बिहार अग्निशमन सेवाएं और आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से जन जागरूकता फैलाने का निर्देश हम लोग को प्राप्त हुआ है। उसी आलोक में जिले के विभिन्न क्षेत्रों में इस रथ के माध्यम से जन जागरूकता अभियान चलाया जाए। इस रथ पे अग्निशमन विभाग के पदाधिकारी और कर्मी भी रहेंगे, जो मॉक ड्रिल के माध्यम से विभिन्न स्थानों पर लोगों को अवेयर करने का प्रयास करेंगे। आपके माध्यम से सभी जनप्रतिनिधिगण से और सिवान के अभियंता से मेरा अनुरोध होगा, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, कहीं भी कोई यदि घटना होती है तो निश्चित रूप से उसकी सूचना हम लोगों को त्वरित रूप से सभी पदाधिकारियों को दें। सिवान जिले में अग्नि से लड़ने के लिए हमारे पास पर्याप्त संख्या में दमकल और अन्य व्यवस्थाएँ हैं, हाइड्रेंट की व्यवस्थाएँ हर एक पंचायत स्तर पर भी की गई है, अतः यदि हम लोगों को सुरक्षित और सही समय पर सूचना प्राप्त हो जाएगी, जो होती भी है, हमने देखा है कि कल भी लगातार जहाँ भी घटनाएं घटित हुई हैं वहाँ की आम जनता ने कुछ डीएम के नंबर पर सूचित करने का काम किया है, तो हम लोग निश्चित रूप से उस पर काबू पाने में सफल होंगे। परंतु ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि उसको रोकने के लिए जो कार्रवाई हम लोग को करनी है और सतर्क रहना। हमारा रिस्पांस सिस्टम 2 मिनट का होता है, जैसे ही सूचना प्राप्त होता है हमारा ड्रिल इतना सुदृढ़ है कि सूचना प्राप्त होते ही 2 मिनट में हमारे अग्निकर्मी प्रस्थान कर जाते हैं। नंबर बता सकते हैं क्या? सबसे इम्पोर्टेंट नंबर 112 101 जो सबको मालूम ही है, 100 नंबर। उसके अलावा अग्निशमन विभाग की जो प्राइवेट नंबर है, अग्निशमन दोनों अग्निशमन विभाग का अलग अलग नंबर है, आपको मुखिया जी इसके बारे में बताएंगे। मुखिया जी क्या कुछ नंबर है जिसकी किस सूचना कर सके आपको? सरकारी नंबर हम लोग आए फायर का, उसी से नंबर फोन करिए, 74 पहला है 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक, उसमें हम हर दिन अलग अलग इवेंट का आयोजन कर रहे हैं। जैसे किसी दिन हम लोग का होटल वगैरह में मॉक ड्रिल है, किसी दिन हमारा हॉस्पिटल से रिलेटेड संस्थानों में विजिट है और मॉक ड्रिल है, किसी दिन हम साइक्लोथॉन करा रहे हैं, किसी दिन हम बच्चों में विद्यालयों में जाके बच्चों के समक्ष प्रतियोगिता कंपटीशन के माध्यम से उनको जागरूक कर रहे हैं, किसी दिन हम लोग फिट इंडिया मूवमेंट की तरह योगा प्रशिक्षण दे के लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो 14 से 20 अप्रैल तक पूरे बिहार में एक मिशन मोड के तहत फायर रिलेटेड चीज़ों को अवेयर किया जा रहा है। का जो नंबर है जरा एक बार आप रिपीट कर दीजिए ताकि लोग सुनकर उस नंबर को डाल दें। मेन तो हमारा 101 और 112 नंबर है, इस पर आप फोन करेंगे, ये पटना कंट्रोल रूम और जिला नहीं इस पर मैंने चेक करवाया है, सारे उससे नंबर लगता है, नहीं तो आप सिवान के जो जिला कंट्रोल रूम है उस नंबर पर भी आप कॉल करेंगे तो हमें सूचना मिल जाएगा। पराली जला रहे होंगे, क्या करना चाहिए? पराली जलाने के लिए हमारी डीएम साहब से और सीओ साहब से 2-4 बार बैठक भी हुई है इस मामले में, क्योंकि ज़्यादातर जितनी भी अगली घटनाएं हो रही हैं पराली से ही हो रही है और इसके कारण हमारी कर्मियों को और को काफ़ी परेशानी का दिक्कत झेलना पड़ रहा है। हर छोटी छोटी जहाँ पे इम्पोर्टेंट आग है उसको छोड़कर हम पराली की तरफ मूव कर रहे हैं आग बुझाने के चक्कर में। तो ये डीएम सर के का सख्त निर्देश है, आदेश है सभी लोगों को कि पराली ना जलाएं, इसके ऊपर दिनों में एफआईआर भी हुई, कार्रवाई भी हुई है, तो ये घटनाएं अगर रुक जाएंगी तो काफ़ी राहत होगा और हमारा जो समय है, हमारा जो एनर्जी है, इम्पोर्टेंट चीज़ों में लगेगी और हम इस जिला को आग लगी, बड़े बड़े आग लगी घटनाओं से बचा पाएंगे। ठीक है।